जब कांग्रेस को एक देंगे तो माझी को क्या देंगे? भाजपा ने तो ऑफर दे ही रखा है, उस ऑफर पर तो इनको फैसला लेना है। भाजपा से संपर्क खूब हो रहा है। असल जो लड़ाई है कि दलितों को अब तक मौका नहीं मिला। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, एक गेम बड़ा है, इसमें हम दिन भर की बड़ी खबरों को पे चर्चा करते हैं और उस खबर को दर परदर उस खबर पे बात करने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे संपादक नमन सर हैं, जो कि उस खबर के बारे में बताते हैं कि आखिर उस खबर में क्या है। आजकल बिहार की राजनीति में काफ़ी जोर शोर से चर्चा है सीएम बनने के लेकर। एक तरफ चिराग पासवान है और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा हो गए, तेजस्वी यादव गए हो गए, और इसमें नया अब जीताराम मांझी के बेटे संतोष सुमन भी कूद पड़े हैं। जब से जीताराम मांझी अपने बेटे को सीएम प्रोजेक्ट किए हैं, तब से काफ़ी जोर शोर से चर्चाएँ हो गई। लेकिन इसको लेकर अब एक सवाल है कि सर से सवाल है कि क्या जीताराम मांझी का बीजेपी से कोई सेटिंग हो गया है कि संतोष सुमन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? ये शुरुआत आपने कही कि मांझी जी ने जो बयान दे दिया वहाँ से हुई है, वहाँ से नहीं हुई है। मांझी जी से एक दिन पहले, उनकी यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले, उनकी पार्टी के नेता रंजन सिंह यहाँ मौजूद थे। इसी जगह बैठकर रंजन सिंह ने बाबा के साथ इंटरव्यू में ये बात रखी थी कि बिहार के अगले सीएम और कोई नहीं बल्कि संतोष सुमन होंगे। उन्होंने इस बात का दावा भी किया था, चूँकि एक शिक्षाविद हैं, केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं और शिक्षा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं उस पार्टी में, तो उन्होंने ये दावा किया कि चूँकि वो पढ़े लिखे हैं और जिस समाज से आते हैं उस समाज में पढ़े लिखे लोगों की फिलहाल बहुत कमी है, तो वो कमी दूर करने के लिए बिहार में राजनीतिक रूप से जो एक लड़ाई लड़ी जा रही है सामाजिक न्याय की, उसका एक बड़ा हिस्सा जब दलितों को, पिछड़ों को, मुसहर को मौका मिलेगा संभालने का बिहार, तब उसका परिवर्तन हो सकता है। लालू यादव जी आए, यादवों को निश्चित तौर पर आवाज़ मिली, ओबीसी के बड़े वोट बैंक को आवाज़ मिली, लेकिन नीतीश कुमार के आने से ओबीसी को ही ना फिर मौका मिला। यहाँ असल जो लड़ाई है कि दलितों को अब तक मौका नहीं मिला। भोला पासवान शास्त्री थे, फिर मांझी जी को मिला, दोनों को कम कम समय मिला। ऐसे में अगर मांझी जी के पुत्र को स्थान मिल जाए, समय मिल जाए, तो अति उत्तम। तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? पढ़ा लिखा इस समाज का व्यक्ति यदि मजबूत करेगा बिहार को, वो अपने समाज को मजबूत करेगा सीएम की कुर्सी पर बैठकर, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? और यही जो उन्होंने बयान दिया, अगले दिन पार्टी का ऑफिशियल बयान हो गया। मांझी जी ने इस बयान को टेस्टिफाई किया और साथ साथ ये भी बात कह दी कि मैंने, चूंकि हमारे पुत्र ने पढ़ाई लिखाई भी की अच्छी और बिहार की राजनीति की समझ भी अच्छी है, मुझे एक समय भी कम मिला बिहार को चलाने का। जितने दिन मैं बिहार मैंने चलाया, लोगों ने मुझे अच्छा ही कहा, तो कुछ और मौका मिलता तो मैं नहीं, लेकिन मैं अपने पुत्र को वो मौका देना चाहूँगा। निश्चित तौर पर यहाँ सवाल खड़ा होता है, कल से ये सवाल पूछा जा रहा था। मेरे से भी लोगों ने, दर्शकों ने फ़ोन करके पूछा कि आपने इस पर विश्लेषण नहीं किया। मैंने कहा बिल्कुल करूँगा इस पर विश्लेषण, इस तो खबर ही हमारे यहाँ चली है ये, और यहीं से शुरुआत हुई है इस खबर की। आप एक को याद होगा, इससे कुछ दिनों पहले मैंने आपसे कहा था कि बाकी सारे दलों का बिहार में, कांग्रेस राजद छोड़कर और लेफ्ट की पार्टियां छोड़कर, भाजपा से संपर्क खूब हो रहा है, सभी का हो रहा है, और भाजपा के संपर्क के साथ साथ भाजपा द्वारा दिए गए ऑफर पर ये पार्टियां चर्चा भी कर रही हैं। अब दिक्कत क्या है कि विभिन्न पार्टियों का अलग अलग एजेंडा है, अलग अलग बातों पर इनको मुहर लगानी है, तो समय अपने अपने हिसाब से लोग ले रहे हैं। सीटों का बंटवारा भी ऐसा बिहार में होना है कि अब भाजपा 35 सीट पर खुद बोल रही है हम चुनाव लड़ेंगे, दो एक दो सीट के लिए कौन आएगा, पेच यहाँ फंसा हुआ है। लेकिन मांझी जी को एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ ये हो रहा है कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मांझी का तेजस्वी का सुबह बयान आया कि होगा, कांग्रेस को एक ही सीट देंगे। मांझी तो यहाँ भी कट गए, मांझी की एक सीट की मांग लंबी तभी पड़ी हुई है। जब कांग्रेस को एक देंगे तो मांझी को क्या देंगे? जी बिल्कुल, और मांझी के बारे में बोला भी किसी ने नहीं। तो ये एक तरीका है उनका दबाव बनाने का मांझी जी का, लेकिन उनके पास ऑलरेडी भाजपा की तरफ से ऑफर है। ऑफर क्या है कि मांझी जी को भाजपा ने ऑफर दे रखा है कि हम आपको दो सीटें देना चाहते हैं, एक जिस पे गया की सीट, जिस पे आपका कहीं ना कहीं आप वहां से विधायक भी हैं, उस सीट पर आप लड़िए या अपने पुत्र को लड़ाइए, और उस सीट पर लड़कर आप वहां से जीत कर आइए, केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। तो जो 25 का चुनाव है, 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव के लिए ये लड़ाई अभी से ही शुरू हो गई, और इसके लिए भाजपा अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए इन दलों तक अपने सूत्रों के माध्यम से, अपने दूतों के माध्यम से
बात पहुंचा चुकी है और माझी जी निश्चित तौर पर उस ऑफर के चलते ही आज दबाव बना रहे हैं नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव पर, और ये दबाव लाजमी भी है क्योंकि नीतीश कुमार अब किसी भी वक्त कुर्सी छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो उनसे कुर्सी छुड़वाया जाएगा, तो अगर कुर्सी उनसे छुड़वा दिया जाएगा तो उनकी जगह दावेदारी बनती है ना, और ये दावेदारी तो हमेशा पिछड़ा समाज की ही होगी, तो क्यों ना जब उपेंद्र मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, मांग सभी लोग अपना हक मांग रहे हैं, तो क्यों ना यह किसी दलित को दिया जाए। चिराग एक तरफ हैं, तेजस्वी एक तरफ हैं, संतोष मांझी एक तरफ हैं, तो चिराग और संतोष मांझी पर अगर दोनों में कंपेरेटिव देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि जनता के पास एक बेहतर ऑप्शन हो गया ना। और तेजस्वी यादव चूंकि उन पर बार बार यही आरोप लगता है कि वो नवी पास हैं बस, तो ये तो एक बड़ा आरोप है ना, और ये पीएचडी किए हुए हैं, उधर वो भी कह रहे हैं कि हम बीटेक किए हुए हैं, तो इतने बड़े बड़े जब पढ़े लिखे लोग हैं तो वहाँ तो थोड़ा हल्का हो रहे हैं ना। और ये बात, और यही कहीं ना कहीं इस समीकरण का यहाँ फायदा उठाते हुए माझी नजर आ रहे हैं। भाजपा ने तो ऑफर दे ही रखा है, उस ऑफर पर तो इनको फैसला लेना है। ये दूसरी सवाल है, क्या नीतीश सरकार खत्म हो जाएगी क्या? देखिए माझी जी इस बात के लिए हमेशा जाने जाते हैं कि वो दबाव बढ़ा देते हैं, वो दबाव बना देते हैं और वो सामने वाले को इस हद तक लेकर आते हैं कि अगर वो उनकी बात नहीं माने तो वो मजबूर हो जाए। प्रेशर पॉलिटिक्स। ऐसे में बिहार में मौजूदा सरकार में माझी का जो विधायकों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, उसे रखना बहुत जरूरी है इस तरफ, और अगर माझी उस तरफ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पता है कि क्या होगा, तो दबाव तो वो बना रहे। तो आपने सुना और तमाम तरह के सर ने विश्लेषण भी किया और बताया भी कैसे बिहार की पॉलिटिक्स जो घूमने वाली है और जो इर्द गिर्द घूम रही है, इसी तरह के विश्लेषण के लिए आप भारत लाइव देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।